क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स थ्री रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल्स। एक बैग दिया हुआ है और इस बैग में थ्री रेड कलर की बॉल और फाइव ब्लैक कलर की बॉल रखी हुई है। एंड अ सेकेंड बैग कंटेन्स सिक्स रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स। एक और बैग है, तो इस बैग को कह दीजिए बैग वन। और एक दूसरा बैग भी है, इसको मान लेते हैं बैग टू। तो बैग टू में सिक्स रेड कलर की बॉल और फोर ब्लैक कलर की बॉल रखी हुई है। ये क्लियर। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग। अब एक एक बॉल दोनों ही बैग से निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। तो जो दो बॉल निकले हैं, एक एक बॉल दोनों बैग से, उसमें से एक का कलर रेड हो और दूसरे का कलर ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक, ठीक है। एक कोई सा भी रेड हो और दूसरा वाला जो है वो ब्लैक होना चाहिए, ये पूछा है हमसे। तो यहाँ पे सबसे पहले चार इवेंट हम बना सकते हैं। तो लेट आर वन आर टू बी वन बी टू बी द फोर इवेंट। आर वन इवेंट, ड्रॉन अ रेड बॉल फ्रॉम बैग वन। आर टू इवेंट, ड्रॉन अ रेड बॉल फ्रॉम बैग टू। बी वन इवेंट, ड्रॉन अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग वन। और बी टू इवेंट, ड्रॉन अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग टू। ये क्लियर। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये क्या बनेगी? तो देखिए, यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस, अगर फर्स्ट बैग से जो बॉल निकाल रहे हैं वो रेड कलर का हो तो आर वन, एंड तो दूसरा बॉल ब्लैक कलर का होना चाहिए जो सेकेंड बैग से निकालेंगे। ये क्लियर। और दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि फर्स्ट बैग से जो आप बॉल निकाल रहे हो वो ब्लैक कलर का हो सकता है, तो बी वन, तो दूसरा वाला रेड होना चाहिए ऑब्वियसली, तो सेकेंड बैग का रेड कलर का बॉल हो। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ये बन जाएगा पी आर वन इंटू पी बी टू और पी बी वन इंटू पी आर टू। ये क्लियर। नाउ पी आर वन, फर्स्ट बैग से रेड कलर की बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो रेड है तीन, टोटल है एट। सेकेंड बैग से ब्लैक कलर की बॉल निकले, तो ब्लैक है सेकेंड बैग में फोर, टोटल है टेन। फर्स्ट बैग से ब्लैक कलर की बॉल निकले, तो ब्लैक है फाइव, टोटल है एट। सेकेंड बैग से रेड कलर की बॉल निकले, तो रेड है सिक्स और टोटल है टेन। ये क्लियर। तो ये बन जाएगा 12 प्लस 30, 42 अपॉन 80। टू से अगर हम कैंसिल कर दें तो 21 अपॉन 40, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी।